अब आइए सीधे आपको ले चलते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, आपको सुनाते हैं। काम करते हैं उनको अपने इस त्योहार को मनाने के लिए दिल्ली छोड़ना ना पड़े। हमारे पूर्वांचली भाई बहन भी दिल्ली का अभिन्न हिस्सा हैं, दिल्ली उनका भी घर है, और इसी को, इसी परंपरा को आगे ले जाते हुए इस साल भी छठ के महापर्व का बहुत भव्य आयोजन दिल्ली में हो रहा है। जैसा आप सबको पता है, 7 तारीख को, जिस दिन शाम को सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ाया जाएगा, 7 तारीख को दिल्ली सरकार ने इस साल छुट्टी की घोषणा करी है और उसका नोटिफिकेशन आज या कल में निकल जाएगा। इसके अलावा पूरी दिल्ली में 1000 से ज़्यादा छठ घाट बनाए जा रहे हैं दिल्ली सरकार द्वारा, जहां पे छठ पूजा 7 तारीख की रात को और 8 तारीख की सुबह कराई जाएगी। इतने भव्य स्तर पे जो छठ पूजा हो रही है, इसकी शुरुआत पिछले 10 सालों में हुई है। 2014 में अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले पूरी दिल्ली में सिर्फ 60 छठ के घाट होते थे जहाँ पे छठ पूजा होती थी, लेकिन आज 10 साल के बाद अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में 1000 छठ घाट दिल्ली सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं। इन छठ घाटों पर आयोजन दिल्ली सरकार द्वारा होता है। आर्टिफिशियल घाट इरिगेशन फ्लड कंट्रोल विभाग PWD विभाग द्वारा बनाए जाते हैं। वहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड पानी का इंतज़ाम करती है, मेडिकल सुविधा भी दी जाती है। जो बड़े छठ घाट हैं वहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा डॉक्टर्स नर्सेज को डिप्लॉय किया जाता है। इन छठ घाटों पर दिल्ली के राजस्व विभाग द्वारा पूरा टेंट लाइट साउंड का अरेंजमेंट होता है। जो जो भी बड़े छठ घाट हैं वहाँ पर मैथिली भोजपुरी अकादमी के माध्यम से कल्चरल प्रोग्राम्स का आयोजन करवाया जाता है। तो दिल्ली में कहीं पर भी अगर हमारे पूर्वांचली भाई बहन रहते हैं, उनको अपने घर से 1 या 2 किलोमीटर की दूरी से ज़्यादा नहीं जाना पड़ेगा छठ पूजा करने के लिए, सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ाने के लिए और अपने त्यौहार को मनाने के लिए। और मुझे खुशी है इस बात की कि दिल्ली सरकार के इस आयोजन की वजह से आज छठ का त्यौहार सिर्फ हमारे पूर्वांचली भाइयों बहनों का त्यौहार नहीं है, सभी दिल्ली वासियों का त्यौहार है और सभी दिल्ली वासी इसे बहुत धूमधाम से मनाते हैं। थैंक यू। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को आपने सुना। छठ महापर्व को लेकर दिल्ली सरकार की क्या तैयारी है, इसी के बारे में जानकारी वो साझा कर रही थी। छठ का भव्य आयोजन किया जाएगा, 7 नवंबर को छठ पर्व का अवकाश रहेगा, ये सीएम आतिशी को आपने सुना, उन्होंने जानकारी साझा की। 1000 घाट बनाए गए हैं दिल्ली में छठ को लेकर, इसके बारे में भी जानकारी उन्होंने दी है। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि भव्य तरीके से छठ का जो महापर्व है वो मनाया जाएगा, 7 नवंबर को छठ महापर्व का अवकाश रहेगा दिल्ली में।